हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं आलोक शुक्ला। अभी जैसा बहुत सारे बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं कि सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए एक स्ट्रेटजी बता दीजिए, एक स्टडी प्लान बता दीजिए कि आखिर 15 दिनों में क्या किया जाए। तो बस इसी को लेके मैं आपके सामने आया हूँ, ताकि आपके पास बहुत समय तो बचे नहीं है, मुश्किल से 16-17 दिन बचे हैं, क्योंकि अभी जो डेट निर्धारित है वो 7 तारीख है, 7 दिसंबर है। हालांकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, 7 तारीख बढ़ भी सकती है, लेकिन फिर भी अभी हम अपने आप को रिलैक्स देने के मूड में नहीं है। जिस तैयारी से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उसी तैयारी से डेट 7 तारीख मान के ही तैयारी करते चलेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का जो यहाँ पे उनके दिमाग में एक बात आ रही है कि आखिर वो परेशान हो रहे हैं कि लास्ट टाइम में क्या किया जाए। पहली बात तो ये कि वो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पेपर उस आयोग का है जिसका रिकॉर्ड रहा है, जो विद इन मंथ के अंदर सारा पेपर करा लेती है, उसका रिजल्ट दे देती है और सब कुछ फाइनल कर देती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जैसे कि हमने 2016-17 की वैकेंसी में भी देखा था, इवन उसके बाद 2019 में आपका एआरओ की वैकेंसी आई थी, उसमें भी बच्चों के पास सोचने तक का भी समय नहीं मिला था कि आखिर क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और हम किस तरीके से तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे आधी अधूरी तैयारी लेकर चले गए थे, फॉर्म डाले कि उनका पेपर आ गया। क्यों? क्योंकि उनका मेंटली वो प्रिपेयर नहीं थे। देखिए, इसका एक कारण तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनमें मैक्सिमम बच्चे बहुत केयरलेस स्वभाव के हैं। केयरलेस स्वभाव के कि जब उनके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, जब उनके पास डेट निर्धारित हो जाती है, तब समझ में आता है उन्हें कि नहीं, अब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटिशन शब्द ही यही बता रहा है कि आपको कम्पीट करना है। किससे कम्पीट करना है? आपके साथियों से, उनसे जो कहीं आपसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे कम समय वाले परीक्षा में, जहाँ पे समय आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, वहाँ पे आप पहले से कितना पढ़े हो और कितना अपने समय का यूटिलाइज़ करते हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। दूसरी बात, आपको दिमाग में एकदम रिलैक्सेशन नहीं देना है। भाई, आप सोचते हो कि डेट आ जाए तब पढ़े, लेकिन जो सही बच्चा होता है, जिसे सिलेक्शन लेना है, वास्तव में जिसका सिलेक्शन होता है यूँ बोले तो, वो कभी इस बात को नहीं सोचता कि आखिर डेट कब आएगी, पैटर्न क्या आएगा, सिलेबस क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है। थोड़ा बहुत उसे मालूम होता है, प्रीवियस पेपर को देखता है, और कोई भी एग्ज़ाम हो भाई, इस भारत में आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कोई भी पेपर होता हो, तो जीएस हुआ, साइंस हुआ, अगर राज्य सरकार में है तो हिंदी हुआ, केंद्र पे है तो अंग्रेजी हुआ, रीजनिंग हुआ, ये सारे सब्जेक्ट तो कन्फर्म पूछता ही पूछता है। तो आपसे क्या नया पता करना है कि आपको क्या पढ़ना है। खैर, हम ये सब बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं ले जाएंगे। हम टॉपिक पे आते हैं कि आखिर ASC RO के लिए, जो अभी आपका एग्ज़ाम 7 दिसंबर प्रस्तावित है डेट, उसके लिए लास्ट के 15 से 16 दिन में, 17 दिन आपके पास है लेकिन हम इसे 15-16 दिन मान के चलते हैं, 15 से 16 दिन में क्या बेस्ट रहेगा, क्या कौन सी स्टडी प्लान बेस्ट रहेगी, किस पोर्शन को हम टॉप पहले कवर करें, किस पोर्शन को ज़्यादा रिवाइज करें, कहाँ से हमारा स्कोर ज़्यादा हो सकता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस बात को सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। पहली बात तो सभी को पैटर्न मालूम होगा, है ना, नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन आपका GS का आता है और 50 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, और ये पोर्शन आपका मेजर पोर्शन है, जो दो पोर्शन मिलके केवल आपका 50% पोर्शन क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब दूसरा जो पोर्शन है, हालांकि सब 200 क्वेश्चन ही होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होगा आपके पूरे एग्जाम में, आपके पास 2.5 घंटे होंगे, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि पूरे 150 मिनट बोला जाए तो 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें 50 आपके GS हैं, 50 आपके इंग्लिश हैं। फिर आपका 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा, 25 आपका कंप्यूटर का रहेगा और 25 ही आपका रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और जनरल साइंस। अभी देखें, एक बार पोर्शन पे देखें तो ये 25-25-25-25 मिला के 100 क्वेश्चन इधर कवर कर रहे हैं और 50-50 मिला के 100 क्वेश्चन ये यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक। ऐसे में बहुत सारे बच्चे, जो बेसिक थॉट आता है तैयारी करते समय, उनके दिमाग में क्या आता है कि भाई ये मेजर पोर्शन है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, नहीं, ये भले आपको मेजर दिख रहा है, लेकिन अभी आपको इन दो पोर्शन में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास केवल 15 से 16 दिन बचे हैं। देखिए,
ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए एकदम नहीं है जो अभी जीरो लेवल पे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और अब वो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। 15 दिन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है आपके पास कि सब कुछ आप कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, केवल आपको अपने लेवल का करना होता है तो बात अलग है, लेकिन आपका स्कोर केवल आपके मेहनत पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपके साथ वाले कितने दिन से और कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, वो भी आपसे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप एकदम जीरो से हो तो एकदम नहीं है स्ट्रेटेजी। हाँ, उनके लिए ज़रूर है जो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, जो एग्जाम के लिए सीरियस हैं, जिनका ध्येय है कि नहीं मुझे समीक्षा अधिकारी बनना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, बहुत ही क्विक जॉब है, सबसे कम समय में ये आयोग आपको नौकरी देती है, बहुत ही अच्छा आपका बेसिक पे है और सब कुछ बहुत अच्छा है, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार हो, तो बहुत लोगों के लिए ड्रीम जॉब भी है ये। तो अभी मैं ये क्यों मना किया आपको कि 50 GS और 50 English जो बड़ा दिख रहा है इससे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, जबकि इन पोर्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये बात मैं आपको समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये आपके पोर्शन है ये क्या है, स्कोरिंग है। स्कोरिंग है मतलब कि आपके 200 नंबर के जहां पे एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और निगेटिव यहां पे कोई नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग क्या है, जीरो है, पॉजिटिव का एक, निगेटिव का क्या है, जीरो है। जहां पे आपका निगेटिव भी नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिव का है, एक नंबर का है, वहां पे ये पोर्शन स्कोरिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो अगर आप कायदे से एकदम जीरो से भी स्टार्ट करोगे, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आप मुश्किल से 6 से 7 दिन में पूरा का पूरा कोर्स कवर कर सकते हो, एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहा हूँ। 6 से 7 दिन मोर देन सफिशियंट होता है किसी भी बच्चे के लिए, अगर एवरेज बच्चा है रीजनिंग पोर्शन में, उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। छोटे छोटे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस होता है, फिर आपका ये फिगर नॉन वर्बल के अलावा वर्बल के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता है, आपका ब्लड रिलेशन होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, सिलॉक्स होते हैं, ये सारे पोर्शन मुश्किल से आधा आधा एक घंटे के टॉपिक है, छोटे छोटे पोर्शन है जो आसानी से कवर किया जा सकते हैं। अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लिए हो, अगर इस पे प्रैक्टिस हो गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बच्चा 24 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकता है। और थोड़ा भी अगर आप मोर देन एवरेज हो, थोड़ा भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छा की हो, तो 25 में 25 भी इस पोर्शन में स्कोर किया जा सकता है। मैं क्यों 25 में 25 कह रहा हूँ, एक बार समझिएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आया होगा, अरे हाँ अभी ऐसे पेपर होते हैं, रीजनिंग बहुत टफ आती है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये पेपर कौन करा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आयोग करा रहा है। ये पेपर UP SSC नहीं करा रहा है, कहने का मतलब UP SSC कमेंडर TCS वो नहीं करा रहा है, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक लेवल के होते हैं, वो चाहे हम 2016 का ARO का पेपर, 2016 का ARO के पेपर के बारे में अभी जिक्र करेंगे, वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, टफ था ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी 2016 के ARO की बात करें, या 2016 के 17 जो गया था पेपर आपका, वो आपके आर ओ की बात करें, समीक्षा अधिकारी की बात करें, या अभी जो 2019 में ARO की बात करें, जो अभी बहुत ही इजी आया, 2019 वाला जो ARO का पेपर हुआ आपका, वो बहुत ही आसान आया था। तो वहाँ से अगर हम क्वेश्चन का एनालाइज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बीता नहीं है, अभी पिछले आपके 5-6 महीने की बात है, आयोग वही है जो पेपर सेट कर रहा था, वो भी वही है, और पेपर फिर से लगभग उसी लेवल का सेट होगा, क्योंकि ARO से थोड़ी अच्छी जॉब है, तो उसका पेपर ARO से थोड़ा अच्छा लेवल होगा। यहाँ पे आप ये 2016 से कंपेयर मत करिएगा, किस कारण से 2016 का ARO का पेपर टफ था ये अननोन है, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई कमेटी ऐसे बना दिया हो जो नहीं दोनों में कंपेयर किया हो, इसलिए ARO को टफ कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, ARO आपका ARO से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के उस पर देखें, रीजनिंग क्वेश्चन के, तो बहुत ही बेसिक लेवल के थे, UP SSC का पेपर नहीं है आपका, आप बहुत आराम से 24-25 क्वेश्चन इसमें स्कोर कर सकते हो, और यही आपका मेन ध्येय भी होना चाहिए लास्ट के टाइम पे। दूसरी बात, हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, अगर अभी मैं टॉपिक की बात करूंगा कि किस पोर्शन से कौन से टॉपिक कैसे पूछी जा रही है, 2016 के पेपर में क्या पूछा गया था, कैसे हमें कंपेयर करना है, लेकिन अभी मैं मोटी मोटी स्ट्रेटजी आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दो, हिंदी में साहित्य भाग है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि समय आपके पास क्या है, बहुत कम है। समय होता तो मैं बोलता आप साहित्य भी पढ़ लो, लेकिन अभी नहीं, 1-2 क्वेश्चन आपका आएगा, उसके लिए अगर आप पूरा एक दिन साहित्य में ले जाओ तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं, नहीं कोई नहीं। यहाँ पे बहुत कम समय में बहुत स्मार्ट वर्क करना है। अगर हमें औरों से आगे निकलना है तो हमारे पास एक प्लान अच्छा होना चाहिए।
किसी भी सफल आदमी के पास, किसी भी जो भी सफल विद्यार्थी होता है आपके साथ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सेलेक्ट होंगे, कभी आप उनसे बात करके देखो, कभी उनके माइंड लेवल को जज करके देखो, उनके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। वो सबको करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो उस पोर्शन को करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो सॉलिड होते हैं, जिसमें उनको मार्क्स हमेशा अच्छा मिलता है या स्कोर हाई कर सकते हैं, और यही स्ट्रेटजी ही आपका सिलेक्शन करवाती है। भाई मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ूंगा कि आपको सिलेक्शन ही तो लेना है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि 200 में 200 क्वेश्चन करके आओ और आपकी वाहवाही हो जाएगी। ठीक है आप टॉप मार दोगे तो आपका नाम आ जाएगा, लेकिन मेन ध्येय आपका टॉप मारना नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों का मेन ध्येय है इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना, और दो स्टेज का एग्जाम है जिसमें मेन स्टेज आपका यही है, दूसरा स्टेज आपका आसान है। ये एक एक ही स्टेज में सब कुछ डिसाइड हो जाना है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, तो आप सिलेक्शन लो और आगे निकलो। ठीक, बस तो हम उस पर फोकस करेंगे। रीजनिंग हो गया, आप हिंदी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पोर्शन कवर करने की कोशिश करो। ग्रामर में जैसे वर्णमाला हो गया आपका, फिर ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय, ये सारे पोर्शन हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लो, है ना। ट्रांसलेशन वगैरह भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन आता है, वो आसान पोर्शन होता है। कुछ पोर्शन तो आपके हिंदी में आराम से, मतलब अगर थोड़ा सा भी रिवाइज करके जाओ तो वो नंबर सॉलिड हो जाता है, वो आप अपने स्ट्रेटजी पे देख लेना। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, ये पोर्शन मेजर रोल प्ले करेगा आपका। देखिए ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपका टफ हो सकता है, हिंदी बहुत टफ नहीं करेगा, रीजनिंग बहुत टफ नहीं करेगा, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है जो टफ कर सकता है। अगर हम 2016 का एआरओ का पेपर देखें तो, अगर हम 2016-17 का आरओ का पेपर देखें तो, और इवन 2019 का एआरओ का पेपर देखें तो, कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है जहां पे उसके जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो कंप्यूटर पे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन स्कोरिंग है, प्रैक्टिकल है, एक बार आप पढ़ लोगे समझ लोगे, पढ़ने का तरीका भी आपका ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कोई भी मार्केट में किताब मिले कंप्यूटर का वन लाइनर जीएस पॉइंटर टाइप में ले आते हैं और फिर पढ़ के रख देते हैं, उससे कंप्यूटर आपको नहीं आनी, वो आप पढ़ोगे और फिर भूल जाओगे। एग्जैक्टली अगर इस पोर्शन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, जो एप्लीकेशंस होते हैं आपके, एक्सेल होता है, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, ये तीन पोर्शन सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप कंप्यूटर का क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से पूछे जाएंगे तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक, तो ये पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, आप कहीं भी क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने का भी मैं बताऊंगा आप कहाँ से क्वेश्चन करो, सब कुछ अभी मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ से सोर्सेस क्या होने चाहिए इन 15 दिन में पढ़ने के लिए, सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ बस क्या क्या पोर्शन आपको पहले करना है, रीजनिंग करना है पहले, फिर हिंदी करना है, फिर कंप्यूटर करना है, उसके बाद साइंस करना है। साइंस में अगर पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया करें, आप लोग भी एनालाइज किया करो, हम लोग तो करते ही हैं, पूरी टीम एनालाइज करती है कि आखिर पेपर में कैसा पूछ रहा है, कैसा पूछ सकता है, कौन पेपर करा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन रखने की संभावना है, ये सब हम लोग ट्रेंड देखते हैं। लेकिन आप भी अपने बेसिक लेवल पर थोड़ा एनालाइज किया करो, नहीं कुछ ज़्यादा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाया करो, वहाँ से क्वेश्चन का तरीका देखा करो और फिर एनालाइज किया करो कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम साइंस की बात करें, मैं यहाँ पर थोड़ा साइंस को अलग से लिख रहा हूँ ये पोर्शन, क्योंकि पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अच्छा था। क्वेश्चन जो है इसका ये है कन्वेंशनल टाइप, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक टाइप, पारंपरिक टाइप मतलब आपका 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है आपका ASCRO, लेकिन वो साइंस कहां से पूछेगा, 10th, 11th और 12th। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो 10th, 11th, 12th में आप किताबों में पढ़ के आए हो वहीं से पूछता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछता है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट पूछता है जो आप अपने स्कूल टाइम में पढ़ के आए हो। तो अभी हम यूपी TSSC वगैरह की बात करें या किसी और एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे साइंस की पूछने का तरीका अलग है, वो आपसे ज़्यादा स्टैटिक पूछता है, वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछेगा जो शायद आप कभी सुने ही ना हो, जो आप अपनी किताबों में पढ़े ना हो, आप NCERT वगैरह में या आपकी जो टेक्स्ट बुक होती हैं वहाँ पे आपके होती नहीं है, वो जनरल इधर उधर की चीज़ें पूछ लेते हैं। लेकिन ये जो आपका आयोग है, साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो आपकी किताबों से पूछा है। आप किताबों से पूछा है तो उसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए जब आपकी कोई चीज़ किताबों से आती है तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो ना, तो एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग जो होता है वो खुली किताब की तरह काम करता है। खुली किताब का काम करने का मतलब ये है कि आप बचपन में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी सुने होंगे, वो एग्जैक्टली क्लिक कर जाता है ऑप्शन देख के कि अच्छा हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो वहाँ से आप कर ले जाते हो। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसका आपको केवल बेनिफिट मिलने वाला है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको काम क्या करना है, फिर से
जो भी टेक्स्ट बुक के सोर्स होंगे, है ना, सोर्स अभी मैं डिस्कस कर लूंगा, इवन अभी तो मैं बोलूंगा लूसेंट ही मोर देन सफिशियंट है, पूरा एनसीईआरटी छाप के रखा हुआ है वो, है ना, तो आप वहां से केवल कन्वेंशनल पढ़ के जाओ, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, खासकर फिजिक्स पोर्शन में। फिजिक्स तो आप केवल लूसेंट से पढ़ो, पूरी एनसीईआरटी है ना, ये पोर्शन बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम में बहुत जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा, प्लस इसके साथ न्यूमेरिकल भी देखते चलो, न्यूमेरिकल मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस करा लेता है, जैसे आपका ऑप्टिक्स वगैरह से क्वेश्चन दे देगा, मिरर दे देगा, मिरर पे क्वेश्चन दे देगा कि मिरर के सामने कोई बंदा 5 मीटर दूरी पर खड़ा है तो उसकी इमेज कितनी दूरी पर रहेगी, या 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है तो मिरर में उसकी प्रतिबिंब कितनी स्पीड से दौड़ेगी, ये सब डायरेक्ट आपका, या वेवलेंथ दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, या आपका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लेगा, सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड, वो सब आपके कहीं और नहीं, सब आपके टेक्स्ट बुक में 11 12th में था, सब कुछ आप जैसे एक बार पढ़ोगे रिवाइज हो जाएगा, और फिर भी आपको समय नहीं मिलता है कहीं पढ़ने का, तो मैं एक बात सजेस्ट करूंगा, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारी टेस्ट सीरीज की आप कहीं से भी पीडीएफ अरेंज कर लीजिए, आप कहीं से भी उसे कर लीजिए, बहुत अगर आप परचेज भी कर सकते हैं, बहुत महंगी नहीं है, 100 रुपए में, 99 रुपए में, केवल 6 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें एक डेमो मिलेगा और 5 आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आप किसी दोस्त के पास से अरेंज हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाता है तो 99 रुपये मेरे ख्याल से आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसे कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है कि जो पेपर, जो भी टेस्ट सीरीज बन रही है, पूरा पेपर को एनालाइज करके उसी पैटर्न पर बन रही है, सारे न्यूमेरिकल डाले जा रहे हैं, ताकि जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सब आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, और कम समय में इससे बेहतरीन रणनीति भी कोई नहीं हो सकती है। तो फिजिक्स का बात करें, या हम बायो की बात करें, या हम केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा कम है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही पूछेगा, पूछ भी सकता है, थोड़ा किसी चीज़ को ऊपर ज़्यादा भी कर सकता है, एक जनरलाइज व्यू में हम चीज़ें को डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंस पोर्शन आपका टेक्स्ट बुक से है, आप इसमें भी स्कोर अच्छा कर सकते हो, तो 24 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ हिंदी में नहीं ज़्यादा, तो वहाँ पर भी आप 24 से 23 क्वेश्चन कर सकते हो, कंप्यूटर में भी आप 22 से 23 क्वेश्चन कर सकते हो, निगेटिव नहीं है, ध्यान रखना बात को, 2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं तुक्का मार दो, क्या जा रहा है, तो कभी एकदम ब्लाइंड गेस नहीं मारना है कि अब चलो अकड़ वक्कड़ गिन के मार दिए, थोड़ा सा सेंस लगा के करेंगे, अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एग्जाम में करोगे, या एक वीडियो और भी बना देंगे बाद में कि एग्जाम टाइम में कैसे आपको बिहेव करना है, वहाँ पर टेम्परामेंट क्या होना चाहिए आपका। साइंस में आप कुछ नहीं तो 24 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, क्यों, अगर ये स्टैटिक होता तो मैं एग्जैक्टली आपको बोलता कि 20+, यहाँ पे मैं 24 नहीं लिखता, लेकिन क्योंकि वो कन्वेंशनल पूछा है, एआरओ में भी पूछा है और फिर पूछेगा, ये बात भी आप एकदम निश्चित, एकदम सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दिए, कई बार क्या होता है ना, हम सामने वाले पे बिलीव नहीं कर पाते कि पता नहीं हमें बेवकूफ़ बना के चला जा रहा है, ऐसा नहीं आया तो, अरे नहीं आया तो क्या कर लेंगे आप, 15-16 ही दिन बचा है, कुछ नया करके आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए बात मानो कि आप जो कर सकते हो, कन्वेंशनल आता है तो कन्वेंशनल पढ़ो, और एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि आपका 24 क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ के गए हो तो कहीं नहीं गया। तो अगर इस पोर्शन में मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है कोई बिलो एवरेज बच्चा भी है, तो इस 100 में आपको 90+ तो टारगेट करना ही है, 100 में 90+ आपको टारगेट करना है, और अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो ये आपका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चारों पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे प्रत्येक बच्चे के हिसाब से स्ट्रेटजी थोड़ी अलग भी हो सकती है, आप उसको एकदम, मैं उसे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, जो भाई कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं जिन्हें हिंदी एकदम नहीं आती, लेकिन वो भी पढ़ सकते हैं, अभी 15 दिन बहुत समय हिंदी पढ़ने के लिए, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबको नेसेसरी ही है आना, कंप्यूटर बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता है तो दिक्कत होती है, तो ठीक है 90 नहीं है तो वो 85+ कर सकते हैं, 80+ कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन का टॉलरेंस ले लूँ, है ना, यहाँ पे लिख दूँ शायद आपको दिख ना रहा हो, ठीक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल आप इस 100 पोर्शन में 90+ करो, अगर आप ठीक है बिलो एवरेज अपने आप को समझ रहे हो तो आप 80+ करने की कोशिश करो, लेकिन इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं होना है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये पोर्शन स्कोरिंग पोर्शन को अच्छा करना ही होगा। क्यों मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, अब मैं आता हूँ थोड़ा जो आपको मेजर दिखता है लेकिन मेरे हिसाब से मेजर नहीं है, मैं उस पोर्शन की थोड़ा सा बात करूंगा, और सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जीएस की। जीएस पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा वेस्ट है, वेस्ट मतलब कुछ अता पता नहीं है, इतना सारा आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर करंट पढ़ना है, यूपी पढ़ना है, सेंसस पढ़ना है, फिर अदर से स्टैटिक डेटा पढ़ना है, बहुत सारे पोर्शन आपके इसी में कवर हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको रियलिटी में इतना पढ़ना है, और वो भी तब जब आपके पास समय कितना हो, केवल 15 से 16 दिन एग्जैक्टली। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
पहली बात तो आप सिलेबस देखो, जो नोटिफिकेशन में सिलेबस आया था, आप हमेशा आदत डालो आप सिलेबस को डालने की। आप क्या होता है ना, सिलेबस सिलेबस एक बार आ जाता है, देख लेते हो, अच्छा रीजनिंग से, अच्छा जीएस से, अच्छा मैथ से, अच्छा साइंस से, ये देखते हो आप, उसके अंदर के टॉपिक नहीं देखते हो। भाई अगर जिस समय सिलेबस बना रहा होता है कोई, उसके दिमाग में भी तो कुछ ख्याल होगा। ख्याल क्या होगा कि भाई हमें इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रखने हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालाइज करें तो हमें कुछ टॉपिक, आप सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूँगा, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत में भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं स्टार बना दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो इस पोर्शन मॉडर्न इंडिया पढ़िए, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़िए, गांधी, जहाँ भी गांधी जी, खासकर गांधी जी का रोल 1915 से जब वो भारत वापस आते हैं तब से लेके और आज़ादी तक 1942-43 तक जितना भी मेन है ना, वहां तक उनका ज्यादा रोल है। ठीक, वहां तक आपको उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो वो कंट्री के फ्रीडम के लिए उनका रोल है वो सब कुछ आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी के बारे में पढ़ना। उसके बाद अभी देखिए, हिस्ट्री अगर मेरी बात मानिए तो केवल इतनी ही है। आप क्या करते हो, आप एंशियंट भी पढ़ने में लगे हुए हो, कोई भी किताब उठा लोगे आप, हिस्ट्री हिस्ट्री हाँ हिस्ट्री तो कभी भी पीछे से पढ़िए, आगे से कभी पढ़िए मत, एंशियंट कभी मत पढ़िए शुरू में, मेडिवल कभी ना पढ़िए, आपके पास जब समय हो तब आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे समय केवल 15-16 दिन है और 15-16 दिन में कुछ नया पढ़ने का समय नहीं होता, ये समय होता है रिवाइज करने का। तो रिवाइज करना है तो आप केवल ये पोर्शन करो, आगे बात समझ में। फिर आपको थोड़ा सा समय मिलता है तो आप मेडिवल पढ़ लो, लेकिन मैं फिर से रोकूंगा, आपको एंशियंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भाग्य का सहारा लो, जो एग्जाम में अगर आपको आता हुआ आ गया तो ठीक है वो आपका भाग्य, नहीं आया तो आपका समझ लीजिएगा भाग्य खराब। लेकिन अभी 15 से 16 दिन में एंशियंट छोटी टॉपिक नहीं, बहुत बड़े टॉपिक है उसका, आर्ट एंड कल्चर ही बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे करने जाएंगे तो आप इनके साथ नाइंसाफी करेंगे, आप अपने साथ नाइंसाफी करेंगे, क्योंकि आप उस समय में कुछ वो पढ़ के जा सकते हो जो आपको सॉलिड नंबर देगा। जैसे जितने समय में आप एंशियंट पढ़ सकते हो उतने समय में आप यूपी और सेंसस, ये दोनों पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और अगर ये दोनों पोर्शन कवर हो गया तो आपका 8 से 9 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं गया है। लेकिन एंशियंट आप इतने समय पढ़ोगे तो हो सकता है आपका केवल 2 क्वेश्चन पूछे, और वो भी हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो भाई हमें हमें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी ना, हमें चांसेस को कन्वर्ट करना है, हमें अपने चांस को हाई लेके जाना है कि हमारा स्कोर हाई से हाई हो, तो एंशियंट को बड़ा ना बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे उसकी जगह पे क्या पढ़ो, यूपी सेंसस। तो अब इसके बाद मैं दूसरी टॉपिक बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको, यूपी प्लस सेंसस। देखिए अगर केवल आप ये 3 पोर्शन पढ़ लिए केवल हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया 1707 से स्टार्ट होती है सभी जान रहे हो, ठीक है ना, यहाँ के आगे सारी चीजें पढ़ लेनी है, मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट और गांधी जी। अब गांधी जी इन्हीं दोनों में इंक्लूड है, कहीं अलग नहीं है, लेकिन बस जब जब गांधी जी आए तब तक आपका अटेंशन थोड़ा ज्यादा फोकस दे देना है, कि एटलीस्ट भाई सभी लोग पढ़ते हैं, 100 चीज़ें पढ़ेंगे तो 20 भूल जाएंगे, 80 याद रहेगी, कुछ 30 भूल जाएंगे, 70 याद रहेगी, लेकिन वो जो 30 भूल है ना उसमें गांधी जी नहीं भूलने चाहिए, बाकी कुछ भूल जाए गांधी जी एकदम याद रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका नंबर देगा। और अगर ये 3 पोर्शन केवल तैयार हो गया तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, कन्फर्म, एकदम एकदम लिख लीजिए। आज आप आज कहीं भी वीडियो देख रहे हो ना, आप इस लेके आइए पेपर में लिख दीजिए कि सर ने बताया था 6-7 क्वेश्चन, और एग्जैक्टली आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो 6-7 क्वेश्चन आपका सही होने वाला है। आप यूपी प्लस सेंसस पढ़ लोगे तो मैं कह रहा हूँ नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। तीसरा मेजर पोर्शन इसमें बसता है पॉलिटी, ये एक ऐसा पोर्शन है जो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको। थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दिक्कत पड़ती है बच्चों को, लेकिन एक बार उसे आप नहीं समझ में आ रहा है तो मगने की कोशिश करिए, थोड़ा रट लीजिए, कोई एकदम रटने क्या, 3-4 बार लिख लीजिए, अपने आप चीज़ें रट हो जाएंगी, उस पर क्वेश्चन कर लीजिए। सबसे अच्छा सोर्स तो आपका घटना चक्र है, घटना चक्र में जो भी UPPCS वगैरह जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस आए हैं आप पढ़ लो, आप एकदम नहीं भूलोगे, तो वहाँ से पढ़ लो कम टाइम में। घटना चक्र मेरे ख्याल से सबसे अच्छा सोर्स है पढ़ने का, पॉलिटी आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ लो। पॉलिटी में एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 100 तक आपको जो अनुच्छेद हैं वो रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए, मतलब इसमें जितने भी मेजर हैं भाई, आपका सारे पार्ट जो हैं, शुरुआत में सिटीजनशिप हुआ, फिर आपका पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 हुआ, ये सब चीज़ें हुई, फंडामेंटल राइट्स के सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। DPSP बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं सॉरी
और एक बात तो पॉलिटी का जो संविधान बनाने में जो सोर्सेस लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं वो आपका मेजर पोर्शन है। तो अभी टॉपिक पे तो अभी मैं बाद में फिर भी आता हूँ, थोड़ा 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा निकाल के, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि आपको टॉपिक पहले कवर करना है मॉडर्न इंडिया, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर गांधी जी, फिर यूपी सेंसस, फिर पॉलिटी। इसके बाद आप अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो करंट, देखिए इसमें मैं थोड़ा करंट को नीचे रखा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी आयोग को ध्यान से देखा जाए तो करंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहा है और ऐसा भी नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन अगर हम एनालाइज करें तो मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन इस पूरे 50 क्वेश्चन में आता है, बढ़ेगा तो 6-7 हो जाएगा। करंट के साथ एक समस्या और होती है, खासकर मैं 15 दिन के लिए बोलूंगा, आप क्या कोशिश करते हो, आप एकदम दिमाग में खुद की स्ट्रेटेजी बना लेते हो कि लास्ट के 2 दिन किसे देना है, करंट को। मैक्सिमम 99% बच्चों के दिमाग में यह ख्याल होता है कि अभी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और अंतिम के 2 से 3 दिन हम क्या पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे। तब तक आप किताबें रखे होते हो अलग और आप पढ़ने की क्या कोशिश करते हो, बाकी चीजें करंट। लेकिन ये सबसे गलत चीजें हैं आपके साथ। क्यों गलत है आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपका सबसे ज्यादा गलत करवाता है। ठीक है यहाँ पे निगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गलत तो नहीं करना है ना, निगेटिव नहीं इसका मतलब थोड़ी कि आप 80 क्वेश्चन गलत करके आ जाओ अब बाहर हो जाओगे, है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप करंट करो, लेकिन सब उसे लीस्ट प्रायोरिटी पे इस एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए रखो। लास्ट टाइम में पढ़ने से दिक्कत ये होती है भाई, अभी मैं कहूँ कि जनरल सा एक क्वेश्चन बोल ले कि अभी मान लो किसी भी कंट्री का, कोई भी कंट्री है उसका मान लो कि कोई प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, ठीक है ना, वो पूछ ले मान लो कंट्री ए के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, है ना, ए बी सी डी, लेकिन वो जो 4 ऑप्शन सेट करेगा वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं के अभी हाल में ही नियुक्त हुए हैं। समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट, किसी कोई कंट्री ए है वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन दे दिया कि इस कंट्री के, इस कंट्री के, इस कंट्री के, इस कंट्री के, अब या उनका नाम दे दिया। अब क्योंकि आपने ये चारों नाम पढ़ा हुआ है तो आप एग्जाम टाइम में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने का कारण क्या है, क्योंकि आपने केवल लास्ट के 2 दिन में पढ़ा है भाई, दिन थे आपके 2 और आपने खबर पढ़ी है पिछले 6 महीने की। किसी का भी दिमाग इतना अच्छा नहीं है कि जो पहले से, किसी का नहीं होता, लिटरली इस बात को फील करिए, कोई भी यहाँ पे शक्तिमान बन के नहीं आता कि 2 दिन में आप पहले कुछ ना पढ़े हो और केवल करंट अटके चले जाओगे वहां पे सही हो जाएगा, नहीं। अगर करंट आपको सही करना है तो आप पहले से आदत डालिए, हर महीने की मैगजीन पढ़िए, हर महीने में थोड़ा थोड़ा पेपर पढ़ते चलिए, वहां से आपका करंट, और फिर जब आप लास्ट टाइम में पढ़ते हो तब हो जाएगा। हाँ, मैं उन बच्चों को जरूर कहूंगा जो डेली हर मंथ पे मैगजीन वगैरह पतली वाली क्रॉनिकल होती है या जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, वो लास्ट 2 दिन के लिए जरूर निकल, वो 15 से 16 दिन में मेरी बात मानिए तो 1 भी दिन आपका बर्बाद नहीं होने हैं। इस पोर्शन को मत पढ़िए, दोनों लोग भाई जिनका बैकग्राउंड अच्छा है वो भी 15 से 16 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ लेंगे क्योंकि बाकी पोर्शन पढ़ना है, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो भी कुछ पढ़ के नहीं कर पाएंगे। तो इस पोर्शन में अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो ये पोर्शन पढ़िए, बाकी पोर्शन आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज से करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, वहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाली है। हाँ, अगर अगर ज़्यादा टाइम होता, 1.5 महीना 2 महीना होता तो मैं बताता एग्जैक्टली आप इंग्लिश पढ़िए, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और समय को ध्यान में रखना है, इसलिए हमें बेस्ट परफॉर्म करना है। बेस्ट परफॉर्म करना है तो हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो बस अभी मैं आपको स्टडी प्लान एक बार जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ कि सबसे पहले आप कौन सा पोर्शन स्टार्ट करो और कितना कितना पर्टिकुलर समय दो। ध्यान रहे कि ये अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग भी डिपेंड कर सकती है, तो जिनको लगता है कि नहीं आपके उनके पास कुछ अच्छा स्टडी प्लान है या वो अपने प्लान पे कंफर्टेबल है, तो मैं उन्हें ऐसा नहीं है कि स्टेप बॉर्न या फोर्सफुली उन्हें मैं फोर्स करूंगा कि नहीं आप यही फॉलो करो, नहीं। हर इंसान की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है जिसमें वो काम कर सकता है, लेकिन फिर भी एक जनरलाइज भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास मैं मान के चल रहा हूं कि 16 दिन है, ज्यादा नहीं है, तो आप सबसे पहले जो दो दिन होगा ये आप रीजनिंग को दो, इनिशियल में सारे कॉन्सेप्ट को कवर करो और उस पर प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करने के लिए जितना क्वेश्चन है भाई, एक पेपर में 25 क्वेश्चन है, और अगर आप 6 पेपर हमारी टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस कर लो क्योंकि क्वेश्चन लगभग हूबहू है, तो भी आपका 150 क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस। बाकी आप अलग से हमारे प्रैक्टिस सेट भी इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा दूंगा जो SC RO के लिए मोस्ट स्पेशल है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व कर लीजिए तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो जाएगा। लेकिन आपको ये 2 दिन में कवर करना है, कब से, जब आप वीडियो देखो उसके जस्ट 1 घंटे बाद से, एकदम समय नहीं गंवाना है। जब जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हो 1 घंटे बाद से आप रेडी हो जाओ, इस स्ट्रेटजी में काम करो, निश्चित सफलता मिलेगी। फिर अगला जो 2 दिन है वो आप हिंदी को दो, बहुत ही
छोटा पोर्शन है लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर आपको करेगा। अगला 2 दिन आप कंप्यूटर को दो और बिना परेशान हुए, ऐसा कभी कभी बच्चे फील होते हैं कि अरे यार मेरा 2 दिन बीत गया, मेरा रीजनिंग कवर नहीं हुआ। अगर आप बहुत कूल माइंड से पढ़ोगे ना तो निश्चित कर ले जाओगे, बहुत कुछ प्रैक्टिस कर ले। भाई 2 दिन होता है, आप 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। अगर छोड़ दो सब, 15 दिन छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ दो, आप 10-10 घंटे पढ़ो, क्यों नहीं कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। तो 2 दिन रीजनिंग का हुआ, 2 दिन हिंदी का हुआ, 2 दिन कंप्यूटर का हुआ, है ना। 2 दिन आप कंप्यूटर को दो और 2 ही दिन आपको साइंस को दो। अभी आपके 8 दिन बीत चुके हैं और आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। 8 दिन में 100 क्वेश्चन अगर पेपर का तैयार कर लिए, इससे अच्छी बात क्या है। अभी भी आपके पास कम से कम कितने दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, 8 से 9 दिन बचे हैं। इसमें आप सबसे पहले शुरुआत करो, पहले पॉलिटी, पहले दिन है ना, मैं ऐसा बोल दूँ 9वें दिन, 9th day पे है ना, आप पॉलिटी पढ़ लो। 10वें दिन आप हिस्ट्री पढ़ लो। हिस्ट्री में मैंने बता रखा है केवल मॉडर्न इंडिया पढ़ो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 दिन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत होती है, अगर पूरा दिन आप 10 घंटा दे दिए तो बहुत होता है। 10 घंटा मेरे ख्याल से कोई भी इस समय निकाल ज़्यादा ही निकालते होगे, निकालना पड़ेगा आपको, है ना। ये 10th day की बात कर रहा हूँ मैं। 11th day में आप यूपी प्लस सेंसस पढ़ो, सबसे ज़्यादा खासकर यूपी सेंसस, मेजर पॉपुलेशन वगैरह देखना है इंडिया का, बस केवल पॉपुलेशन डेंसिटी देख लो और लिंगानुपात देख लो, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। यूपी आप जरूर पढ़ो। युक्ति की पतली सी किताब आती है, हमने ग्रुप पे भी शेयर किया है, टेलीग्राम पे भी लिंक आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से पढ़ लो, बहुत अच्छा कंटेंट है वहाँ पे। मतलब इस एग्जाम फोकस के लिए आप आराम से कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप मोटी सी किताब ले आओ और उसे पढ़ने में अपना पूरा समय गवा दो, नहीं, आपको कम समय में एकदम कंटेक्स्ट कंटेंट चाहिए, ठीक। 11th day में आप यूपी सेंसस पढ़ लो। उसके बाद जब आपका 12th day आता है तो आपका, आप देखिए, मेजर पोर्शन पॉलिटी कवर हो गया, हिस्ट्री कवर हो गया है, यूपी प्लस सेंसस कवर हो गया है। अब 1 दिन बीच में आप करंट के लिए निकाल लो, है ना, 1 दिन करंट के निकाल लो। फिर आप 13th day पे आप जियो प्लस इको एक साथ करने की कोशिश करो। आपका ये 2, 2, 4, 2, 6 मतलब पूरा 13 दिन का प्लान है और 16 से 17 दिन आपके पास बचे हैं, तो अभी भी 3 से 4 दिन आपके पास बचे हैं। इस 3-4 दिन में आपको बहुत कूल रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपको ये सोचना है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, आपने सब कुछ कवर कर लिया है, अब केवल उस चीज़ को रिवाइज करते चलो। और ध्यान रहे, इसी में लास्ट के टाइम जिनकी स्ट्रेटजी है करंट पढ़ना, तो वो आराम से पढ़ लो, क्योंकि ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं, आप ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो। लास्ट के अगर कोई देना भी है तो 1 दिन आप उसे पढ़ो, बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। ये 15 से 16 दिन के आपका स्टडी प्लान है। अगर आप, मैं तो ये बोलूँगा कि लास्ट टाइम में भाई तैयारी का यही तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपको मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज मिलती है जो आपको लगती है बेस्ट, आप वो करो। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा ही लो, एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही टेस्ट सीरीज लो, आपको जो भी बेस्ट लगे आप वो लो। लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमसे अच्छा कोई नहीं दे रहा है और ना दे सकता है, तो आप एक बार उसे देखो, एक बार टेस्ट सीरीज करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका सारा सॉल्यूशन पढ़ो। और जो बच्चे ऑलरेडी परचेज कर रखे हैं टेस्ट सीरीज, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो आप उसी पेपर को एग्जाम से पहले पहले कम से कम, आपके पास जो भी 6 पेपर हो उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से फंसने वाले हैं, गारंटी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल डेटा फंसेगा एग्जैक्टली, लेकिन पैटर्न फंसेगा। और न्यूमेरिकल डेटा में भी हमारा रिकॉर्ड रहा है कि अभी पिछले टेस्ट सीरीज में ही जो क्वेश्चन हमने दिया था एग्जैक्टली यूपी ट्रिपल एससी लोअर में सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट, सेम ऑप्शन फंसा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक टीम के लिए, मैं फिर से इस बात की बात करूँगा, तो आप वहाँ से चीज़ों को कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। आपका ऐसा भी हो सकता है कि इससे थोड़ा किसी बच्चों का अलग भी हो, मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे पूरी टीम का प्रयास है कि आपके लिए जितना अच्छा कंटेंट हो सकता है वो सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। हिंदी का पूरा आपको हम अवेलेबल करा देंगे ताकि लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सको, आपको पूरा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, ठीक है ना, जो भी कंप्यूटर का आपका दे दिया जाएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ग्रुप पे दे दिया गया है, आप भी आएंगे तो मिल जाएगा, या ना इसी लिंक में लगा दिया जाएगा, इडम फेजेस का भी लगा दिया गया, मैक्सिमम जो जो पोर्शन आपके जहाँ जहाँ से हो सकते हैं। साइंस के लिए मैं बोलूंगा कि आप लूसेंट वगैरह ही पढ़ लो सबसे ज्यादा है, थोड़ा फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल वगैरह भी देख लेना, कहीं अलग से जहां से भी मिल जाए वहां से भी आप देख सकते हो। मॉडर्न इंडिया वगैरह हिस्ट्री वगैरह का सोर्स आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है, अभी आप अगर घटना चक्र कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसे करने की कोशिश करो, ठीक है ना। रिवीजन में जो भी आपके नोट्स हो, जो भी आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोई नई किताब फॉलो करो, नहीं, लास्ट टाइम में नई किताब नहीं फॉलो करनी चाहिए, एकदम दिमाग में रख लीजिए। लास्ट टाइम में आप जो पढ़ते आए हो, जहाँ से पढ़ते आए हो, ठीक है, वहाँ से आपका 60% ही फंसेगा, लेकिन आप वही पढ़ो, क्योंकि 15-16 दिन में कुछ नया, 15-16 दिन में एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन तो मिल रहा है, एक दिन में क्या नया पढ़ लोगे। तो जो आप पढ़ते आए हो वही आप रिवाइज करने की कोशिश करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी उनके लिए एकदम नहीं है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी केवल उनके लिए जो ऑलरेडी अपना कोर्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप
ऐसे ही मेहनत करते रहिए, टीम आपके साथ है हमेशा, और हमारी पूरी मेहनत रहेगी कि आप एग्ज़ाम में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।